स्टूडेंट दिस इज यूर एस एस टी नोट एस एस टी बुक इन टू डे क्लास वी विल रीड द चैप्टर नंबर नाइनटीन ऑफ दिस चैप्टर इज चेन्नई चेन्नई की स्पेलिंग लर्न करनी है सी एच ई डबल एन ए आई चेन्नई चेन सी एच ई एन चेन एन ए आई नई चेन्नई ठीक है नाउट स्टार्ट द रीडिंग चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिल नाडु इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया इट वॉज अलियर कॉल्ड मद्रास चेन्नई जो है वो कैपिटल है राजधानी है तमिलनाडु की और ये फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है हमारे इंडिया का और इसका सबसे पहले अलियर नेम जो था उसका था नाम मद्रास था यानी पहले इसको मद्रास कहा जाता था बाद में इसको चेन्नई कहने लगे लोकेशन इसकी लोकेशन यानी स्थिति कहा है भारत के मैप में इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कॉस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग बे ऑफ बंगाल ये हमारे साउथ ईस्ट कोस्ट जो है ये साउथ ईस्ट कोस्ट जो है हमारा देखिये ये ये साउथ का पार्ट है नीचे का और ये ईस्ट कास्ट है कोस्ट यानी समुद्री तटीय क्षेत्र फेसिंग बे, ये हम बे ऑफ बंगाल का एरिया है बंगाल की खाड़ी तो ये यहाँ पे लोकेटेड है ठीक है इट हैज बिग पोर्ट वेयर ships ब्रिंग स्मॉल एंड बिग गुड्स फॉर from अदर कंट्रीज और ये एक बड़ा पोर्ट है यहाँ पे पानी के जहाज आते हैं और आ, बड़े मतलब कि जहाँ पर छोटे बड़े पानी के जहाज आते हैं अपने सामान लेकर के दूसरी कंट्रीज से और यहीं से दूसरी कंट्रीज को लेके भी जाया जाता है एंड टेक गुड्स मेड इन इंडिया टू अदर कंट्रीज और भारत का बना हुआ सामान भी दूसरी कंट्रीज में यहां से लेके जाया जाता है गवर्नमेंट अब यहाँ के गारे के में हम रीड करेंगे द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आर लोकेटेड इन चेन्नई जो ऑफिस है गवर्नमेंट के यहाँ की तमिलनाडु के वो चेन्नई में है तो जैसे कि हमने अभी लास्ट जो भी चैप्टर्स रीड किए तो गवर्नमेंट जहां पे भी गवर्नमेंट का ऑफिस वहां के कैपिटल में ही होते हैं तो चेन्नई कैपिटल है तो यहाँ चेन्नई में ही होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई किसकी कैपिटल है तमिलनाडु की है ठीक है द गवर्नर ऑफ चीफ द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल लिव यहाँ पे यहाँ के जो गवर्नर गौर्न, हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं अदर मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिस भी हैं और बिट्स एंड बाइट में देखते हैं हम द सिटी ऑफ चेन्नई हैज द लार्जेस्ट मुंसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया सिटी जो चेन्नई सिटी है वो उसका सबसे बड़ा मुंसिपल कॉरपोरेशन जो है यहाँ सबसे बड़ा मुंसिपल कॉरपोरेशन है ठीक है चेन्नई के अंदर भारत का सबसे बड़ा म्यूनसिपल के राज्यों के लोग यहाँ पे रहते हैं तमिल इज द मेन लैंग्वेज तमिल यहाँ की मेन लैंग्वेज है इंग्लिश इज ऑल्सो स्पोकन हिस्सर इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है राइस इज द मेन फूड ऑफ द पीपल राइस जो है यहाँ के यहाँ के लोगों का मेन फूड है द दे ईट इट विद सांभर एंड कर्ड और इसे वो सांभर और कर्ड दही के साथ खाते हैं दे ऑल्सो लाइक टू ईट इडली वो इडली भी पसंद करते हैं डोसा एंड वड़ा इडली डोसा एंड वड़ा वो खाना पसंद करते हैं मैन वियर लुंगीज एंड shirts, women वियर साड़ीज यहाँ के जो पुरुष हैं वो लुंगी और शर्ट पहनते हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं पोंगल इज द मेन फेस्टिवल पोंगल यहाँ का मेन फेस्टिवल है इट इज सेलिब्रेटेड फॉर थ्री डेज ये थ्री डेज के लिए मनाया जाता है पीपल ऑफ चेन्नई आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस पीपल जो चेन्नई के हैं वो बहुत ही ज्यादा शौकीन है डांस के एंड म्यूजिक म्यूजिक संगीत के भरतनाट्यम इज द मेन क्लासिकल डांस ऑफ चेन्नई भरत जो नाट्यम है वो यहाँ का मेन डांस है चेन्नई का यहाँ देखिये यह भरतनाट्यम करती हुई यहाँ पे पोज है और ये पोंगल फेस्टिवल का पिक्चर है अब यहाँ पे हम क्लाइमेट को जानेंगे क्लाइमेट यानी वहां की जलवायु कैसी है द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज नैदर टू हॉट और इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर जो चेन्नई का जो क्लाइमेट है गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होता है सर्दियों में ज्यादा ठंडा नहीं होता है इट हैज ह्यूमिड क्लाइमेट इन समर कुछ ह्यूमिडिटी होती है समर्स में सो पीपल लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ इसलिए यहाँ लोग कॉटन क्लॉथ पहनना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बॉडी के लिए कंफर्टेबल होता है अब यहाँ पे बारी आती है इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज़ सिटी हैज लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस शहर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स सीमेंट बाइसाइकल्स मोटर कार ट्रैक्टर्स रेलवे कोचेस एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स आर प्रोड्यूस प्रोड्यूसर तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल है सीमेंट है बाइसेकल है। अभी हमने रीड किया मोटर कार्स ट्रैक्टर्स रेलवे रेलवे कोच यानी रेलवे के जो डब्बे होते हैं उनको कोच कहा जाता है और इलेक्ट्रिकल जो गुड्स है सामान है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं टैंक्स आर मैन्युफेक्चरिंग टैंक्स आर मैन्यूफेक्चर इन चेन्नई यहाँ पे टैंक्स भी बनाए जाते हैं उस जगह का नाम है अबादी चेन्नई ऑल्सो हैज एन ऑयल रिफाइनरी चेन्नई में ऑयल रिफाइनरी भी है चेन्नई हैज अ वेरी वेल नॉन फिल्म इंडस्ट्री चेन्नई को फिल्म इंडस्ट्री के रूप में भी बहुत जाना जाता है इट प्रोड्यूस तमिल फिल्म यहाँ पे तमिल की फिल्में बनाई जाती हैं ज्यादातर. फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस अब हम फेमस बिल्डिंग जगह के बारे में यहां पे पढ़ेंगे में बहुत सारे सुंदर जगह हैं वन ऑफ मरीना बीच उनमें से मरीना बीच जो है एक है इट इज अबाउट सिक्स किलोमीटर लॉन्ग ये छ किलोमीटर लंबा है इट इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया ये भारत का सबसे लंबा बीच है वीजीपी गोल्डन बीच इज अनदर इम्पोर्टेंट बीच वीजीपी बीच जो है आ, गोल्डन बीच दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बीच है विच इज वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन जो बहुत बच्चों में बहुत ही पॉपुलर है इट हैज अ लॉन्ग ट्रेन एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन यहाँ पर लंबी ट्रेन है और झूले हैं बच्चों के लिए द अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर हिस्टोरिकल हार्टिकल्चर गार्डन तो दूसरा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का है यहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन है द नेशनल आर्ट गैलरी है फॉर सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज सेंट थॉमस चर्च यहाँ पे आ, सेंट जॉर्ज का फोर्ट है और से, थॉमस सेंट थॉमस चर्च है स्नेक पार्क रथ टेम्पल कपलेश्वर टेम्पल एंड गांधी मंडप मंडपम ये सारी ये सारे प्लेसेस के नेम है ये यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है देखिए यहाँ पे और नेक्स्ट है यहाँ मरीना बीच है और ये स्नेक पार्क है स्नेक पार्क में हम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स मरीना बीच इज द लार्जेस्ट बीच इन इंडिया अभी हमने रीड किया था कि मरीना बीच जो है लार्जेस्ट बीच है भारत का एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और संसार का संसार में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है तो इसे आप लर्न लेंग कर लेंगे तो स्टूडेंट्स uh, ये आपका चैप्टर जो है ओवर हो गया ओके नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है इसकी डिफिकल्ट स्पेलिंग जो है उनको लर्न करना है